बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाद नियाज और आप देख रहे हैं फार्मिंग विद शाहिद। तो मेरे मजदूर काश्तकारों, आज हम बात करेंगे ये जो काफ़ी रकबे हमारे खाली हो गए हैं। हाल ही में सरसों थी और हमारे बहुत से काश्तकार हैं जिन्होंने गंदम काट ली है और गंदम का रकबा भी खाली हो गया है। तो इसी सिलसिले में आज एक फार्मर हैं तो इन्होंने आज मुझसे एक दो सवाल किए, तो इसका भी जवाब देते हैं और मेरे दूसरे जो काश्तकार है वो भी साड़ी इस डिस्कशन तो आगाह हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? तो की सवाल सी गए आज? सवाल ऐसे साढ़े चार फसल साल में कैसी फसल उगाएं ते फायदा देगी, खर्चा भी कम होगा और फसल भी ज्यादा होगी। तो इसका सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चार फसलें हों कि खर्चा भी हमारा कम हो और हम उससे भरपूर फायदा उठा लें। तो मेरे नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर हाल ही में आपका भी ये इस तरह का रकबा खाली हो गया, ये हमारे पीछे काफ़ी 5-6 एकड़ है, ये ऊपर भी ज़मीन है, इसमें सरसों थी, तो हमने सबसे पहले इसको हल चलाया और रूटावेटर कर दिया, ये आपके सामने है। तो बात करूंगा, अगर आप वो कौन सी चार क्रॉप्स हैं जिसको आप काश्त करके एक भरपूर और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नित नई जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे इस्तेफादा करते रहें। तो बात करूंगा खाली रकबे के हवाले से, वो ऐसी कौन सी चार क्रॉप्स हैं, तो उसमें सबसे पहली जो क्रॉप्स की तरजीह है माह अप्रैल में, कि आपने माह अप्रैल में ऐसी कौन सी प्लानिंग करनी है कि आप एक साल में चार फसलें बो लें। तो आज बात करूँगा, अगर आपका रकबे में पानी जज़्ब करने की सलाहियत है तो आप उसमें सबसे पहले इसको तिली को तरजीह दें। तो 90-95 दिन की ये फसल है, जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, मार्केट में इसका रेट भी काफ़ी ऊपर चला गया है, ख़र्चा इसका बहुत कम है। तो तिली जब आपकी फारग हो जाएगी, ये आपकी फारग होगी जुलाई के मिड में, तो जुलाई के मिड में आपके पास दो ऑप्शन होंगे। नंबर वन ऑप्शन, आप उसमें मौसमी मकई काश्त कर लें। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1509, ये जो धान है मुंजी की, ये जो वैरायटी है, तो मुंजी की ये जो 1509 है, ये थोड़ी ड्यूरेशन की ये फसल है और इस पर कीड़े मकोड़े और सूंडियों का हमला अभी बहुत कम है क्योंकि इसमें कुवते मुदाफियत है। तो ये कम दौरानी की फसल है, 90-95 दिन में ये आपकी 1509। और आप ऐसा करें कि अपने रकबे को डिवाइड कर लें, आधे रकबे पर आप मौसमी मकई को काश्त करें और आधे रकबे पर आप 1509 जो वैरायटी है वो उसको काश्त कर लें। तो फिर इसके बाद 1509 और मौसमी मकई काश्त की हुई अपने रकबे पर आपका जो रकबा है वो ये जो आपकी धान की काश्त है वो नवंबर स्टार्ट होते ही वो आपके खेत खाली हो जाएंगे और ये जो मौसमी मकई है आपकी वो 15-20 नवंबर तक आपका वो रकबा भी खाली हो जाएगा और आप बासानी उसमें गंदम काश्त कर सकते हैं। और जब आपने गंदम काश्त की होगी तो ये अप्रैल का जो माह रवा माह है इसमें आपका वो रकबा खाली हो जाना है। तो आप इसी तरीके से आइंदा साल भी अपने प्लानिंग जहन में रखें और अभी से जिनके ये रकबे खाली हो गए हैं वो अभी से ही अपनी इस प्लानिंग को तयशुदा करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद होगी। तब तक नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।